व्लॉग। आई होप आप लोग सब बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और इस बार हम लोग है मनाली में। हम लोग कल स्पीटी से निकल गए थे, तो हम लोग रात को ही निकल गए थे वहाँ से और बहुत रात हो गए थे। खतरनाक भाई, खतरनाक मैं बोल रहा हूँ। लद्दाख, केदार कंधा जो भी है, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ स्पीति की। ये कि आप अगर फैमिली वाले बंदे हो तो कृपया करके स्पीति मत जाओ, क्योंकि स्पीति का रोड 150 किलोमीटर रोड ही नहीं है, पूरा बोल्डर्स है और यू नो वो एकदम सही नहीं है। इवन थार में हम गए थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको जो इतना डेंजरस रोड है, तो आप अपनी लाइफ रिस्क में क्यों ले रहे हो? अब कुछ यूट्यूब वीडियोस में दिखा देते हैं कि हाँ स्पीति ये है वो है, आपको सेम एक्सपीरियंस आपको लद्दाख में मिल जाएगा, जहाँ की आपको आपके रोड्स वगैरह भी सही है और कनेक्टिविटी भी सही है, मोबाइल कनेक्टिविटी। आपको जो 150 किलोमीटर स्ट्रेच जो स्पीति का है, आपको नेटवर्क मिलेगा नहीं। अगर वहाँ गायब हो गए भाई, तो सोच लो आप अपने दम पे ही हो, वहाँ एक बंदा चलता नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल नहीं है। सही बात है, फैमिली के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा नहीं सिर्फ, हाँ जो बंदे लौंडे लपाटे हैं, जो यू नो कॉलेज गए, जो एडवेंचर करना चाहते हैं, उनके लिए बात अलग है, बट इवन फॉर अस ऑल्सो मैं नेक्स्ट टाइम तो जाऊंगा नहीं जब तक रोड नहीं बनेगा। स्पीति टू आई थिंक कौन सा विलेज था, लोसार विलेज था, वहां तक रोड है ही नहीं। लोसार के बाद विलेज है, वहां से कनेक्टिविटी है आपके एक काजा तक का, उसके पहले तो कुछ भी नहीं है बीच में। आप लिटरली बोलोगे भाई मेरे को यहाँ से निकालो, तो एंड विंटर्स में पता नहीं भगवान जाने कैसे चले जाते हैं बंदे विंटर्स में। इट्स लाइक लाइफ का रिस्क लेके जा रहे हो आप, लाइफ रहेगी तभी तो एडवेंचर करोगे। तो मैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि स्पीति मत जाओ, सेम एक्सपीरियंस आपको लेह लद्दाख में मिल जाएगा। सेम पहाड़ है और लेह लद्दाख में बेटर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और सेफ्टी मेजर्स में भी सही है। अभी जंस्कार वगैरह भी बोल रहे थे वो ऑफ रोडिंग है, बताओ जंस्कार तो और खतरनाक होगा। तो आई डोंट नो, मैं कुछ गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको इस जगह के बारे में, क्योंकि मैंने कुछ बंदों को रिकमेंडेशन, मेरा मैंने जो शॉट्स वगैरह लिए हैं, मैंने ड्रोन शॉट्स लिए एंड इवन वेरी वेरी गुड विजुअल्स, बहुत सही लगे आपको। मेरे को ट्रैवलिंग चैनल में देखोगे ना आप, खुद लगेगा अरे मेरे को जाना चाहिए, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ पर्सनली आप मत जाओ वहाँ पर, वो आपको हिमालय सब जगह सही मिल जाएगा। बहुत खतरनाक रोड है, जब तक रोड ना बने तब तक मत जाओ। रोड बनने के बाद अलग बात है, रोड बनने के बाद जाओ जो सही जगह, मतलब मोर और लेस लाइक लद्दाख है, कुछ वो नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब हाँ प्लस माइनस होते रहते हैं डिफरेंट प्लेसेस, बट माय रिकमेंडेशन इज टिल एंड अंटिल रोड नहीं बना तब तक मत जाओ भाई, सीधी बात है। कल हम लोग मतलब यहाँ पे एक जगह, कौन सा जगह का नाम था रहा, समझो जो रुके, जो रात को हम रुके थे खोक्सर लाहौर। अच्छा, बंदे रुकते नहीं है, वो भी एक आपके लिए सही है। बंदे शिशु में रुकते हैं, शिशु में आप अटल टनल क्रॉस करोगे तो एक शिशु को भेजा था और एक एक आता है आपको खोक्सर लाहौल, वहाँ आपको कंपेरेटिवली चीपर रेट पे आपको आपको गेस्ट हाउस वगैरह मिलेगा। शिशु में भीड़ भड़ाका है, बहुत भीड़ भड़ाका है, शिशु का एक्सपीरियंस और रोहतांग का एक्सपीरियंस सेम रहेगा। तो मैं तो हाँ मतलब तो वहाँ पे हम लोग ने रुके, फिर आज सुबह में हम लोग यहाँ पे मनाली आ गए। उसके बाद आने के बाद तो मैं हम डायरेक्ट सो गए थे, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर में थोड़ा सा घूमने के लिए। हाँ तो मैं जहाँ में भी जाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करूंगी। सो अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब मनाली का रोड देख सकते हैं और पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ पे पहाड़ है और ऊपर में बर्फ़ भी है, जो बर्फ़ देख रहे हैं। और ये मुझे फील आ रहा है शिलोंग में, लाइक हम शिलोंग में चल रहे हैं जैसा। महाराज जो अभी हम लोग जा रहे हैं वो क्या, हडिम्बा टिम्पल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हडिम्बा टिम्पल में, वो और थोड़ा और चलना है हम लोग को, तो हम लोग चढ़ के जा रहे हैं, पता नहीं। आई लव मनाली, यहाँ पे बहुत सारा होटल है, आप कहीं पर भी मतलब आएंगे ना होटल ही होटल आपको मिल जाएंगे, बस वो आपका मतलब ऐसे चूज करके लेंगे ना, मतलब रेंट हाउस मत पूछना बंदू। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को रेंट हाउस नहीं दिखा रहे, लेकिन मैं जो ट्रिप घूमने के लिए आई हूँ आप लोग को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए यहाँ का लोकल ड्रेसअप सॉल वगैरह आप देख सकते हैं। आप रोड देख सकते हैं, हम लोग नीचे से आए, देखो ये अप है तो इसलिए गर्म हो गया। यहाँ से ये व्यू देख सकते हैं, पहाड़ कितना बड़ा है।
हडिम बटिम मंदिर मार्ग यहाँ से है आगे हम लोग। सो ये ना माँ हडिम्बा टी मंदिर मार्ग में एक ही तीन जगह फेमस है। हाँ हडिम्बा टेम्पल, मॉल रोड और एक सोलांग वैली, जिनको मैंने दिखा दिया बहुत छोटा सा था डिटेल्स भी बता दूंगा मैं आपको। हाँ। कि मनाली में आपको बेवकूफ कैसा नहीं बनना है मैं यहाँ ऑलरेडी आ चुका हूँ विंटर्स के टाइम पहले। कैसा आपको बेवकूफ नहीं बनना है ये भी बता दूंगा मैं यहाँ पर भाई जहाँ टूरिस्ट प्लेस वहाँ लूट मार ज़्यादा होती है, मैं बता दूंगा भाई कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हाँ। ये बहुत चढ़ाई है कोरोना कहाँ यहाँ पे एंट्री फ्री है आप आराम से आ सकते हैं। नहीं हा? गाड़ियों के लिए पार्किंग फी। ओ अच्छा। और जो पैदल आता है उसके लिए फ्री है पता नहीं मैं शॉर्टकट से आ गया हम लोग से तो नहीं लिया देखा जाएगा। हाँ है ना तो मैं आपको थोड़ी देर फिर से बताऊंगी पता कर लिया मैं ना जाऊँ अभी रास्ते तो बहुत लंबा है। हाँ नहीं नहीं करना हाँ पता कर लेंगे एंट्री फी कितनी है। इतने सुंदर है ना पेड़। हाँ। चीर के पेड़ बोलते हैं इसको और जब स्नोफॉल होती है तो बहुत खूबसूरत होता है। ये पूरा अभी अक्टूबर एंड एंड से पूरा स्नोफॉल हो जाएगा ना नवंबर से तो पूरा स्नोफॉल। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सामने में वो दिखाई दे रहा है मुझे आप देख सकते हैं ये मैप है यहाँ का ये पूरा मैप है और आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस भी मिलेगा फ़ोटो खींचवाने के लिए लेकिन अभी हमने ज़्यादा है मंदिर की ओर वो दिखाई दे रहा है ना उधर भीड़ है वैसे बहुत लंबी लाइन है और बहुत लोग हैं यहाँ पे। फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं और भीड़ देख सकते हो वो कितना लोग है यहाँ पे। स्वीट पान बहुत भीड़ भड़ाका है भाई। ये क्या नाम है हडिम्बा टेम्पल है ना तो इसका क्या था मेरे ख्याल से भीम की वाइफ थी हिडिम्बी देवी समथिंग उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो ये मंदिर बना हुआ। भीड़ कितनी लगी हुई आप देख रहे हो अंदर ओए हाँ अंदर पता नहीं दर्शन करने के लिए बड़ी काफ़ी ओल्ड आपका वो है ना ये बहुत सही है वही तो सही है ओल्ड मनाली ना ओल्ड मनाली का मार्केट है। सो हम लोग दूसरे रोड से आ गया वापस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। हाँ यहाँ का व्यू क्या सही है। हमने लंच खा लिया है अभी हम लोग जाएंगे मॉल रोड की ओर तो वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ का कैसा नज़ारा है तो वो व्यू मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सब जगह घुसे हुए आदमी ओल्ड मनाली के लिए जाएंगे और यहाँ से मॉल रोड वो ब्रिज है वहाँ पर ओल्ड मनाली का तो वहाँ से ओल्ड मनाली और यहाँ से मॉल रोड। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स का ऑप्शन है आप देख सकते हैं ये भी कितना सुंदर होटल है और हम लोग यहाँ से आए थे यहाँ से और यहाँ पर भी ये होटल है देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर है बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर आप कहीं पर भी होटल बुक कर सकते हो आप यहाँ पे सारा लोकल सामान मिल जाएगा आपको।
पेड़ों से भरा हुआ है। ये सारे होटल से बहुत सुंदर है। हम लोग मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा बहुत ही भीड़ है और ट्रैफिक बहुत हो रहा है। आई थिंक क्योंकि यार टूरिस्ट इलाका है तो मतलब अभी तो होना बनता ही है, और एक तो रोड छोटा सा है। सही है, अच्छा है ना बीच में चिल करने के लिए। अच्छा यही है ना, हाँ पूरा गैंगटॉक जैसा है। आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे सब लोग कोई रेस्ट कर रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, और सब अपने अपने दुनिया में, और बहुत सुंदर है। अभी हम लोग भी चलते हैं, बहुत खूबसूरत है पूरा। ये पूरा वहाँ बैठते बैठने वाला उसको ऐसा करके घूम गया। राज मॉल रोड में यहाँ का बस स्टैंड, यहाँ का मनाली में, हाँ बस स्टैंड मनाली। तो अभी हम लोग ने जो बस स्टेशन में गया था वो लोकल के लिए सिर्फ है, और यहाँ पे जो आप घूमना चाहते हो तो वहाँ पे वहाँ के लिए है, ताकि यहाँ लोकल इधर उधर जाना है तो उसके लिए भी बस आपको मिल जाएगा। मुझे मेरा मैं आइसक्रीम खाऊं? सब लोग डम बीमार नहीं होना, आप खाना खाओ, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बैठ जाए मेरे फोन बोलने वही तो। ठंडा में ठंडा गला पकड़ा, मेरा नाम मत है। सो हम लोग ने आपको मनाली का टूर दिखा दिया छोटा सा, यही था, और ये मॉल रोड, ये भी ये मॉल रोड भी मैंने आप लोग को दिखा दिया, आई होप आप लोग को पसंद आया। और यहाँ का जहाँ जहाँ हम लोग ने किया है वो हम लोग कोशिश किया आपको दिखाने के लिए, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। सो आज का ब्लॉग में इतना मैं एंड करती हूँ। सो मेरे इस ब्लॉग को अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।